क्या बात, मैंने ये कपड़े ही उतारे हैं। हाँ, कि तुम मेरे लिए पहचान नहीं सकते थे। अच्छा, आज नंगे काजल पहन के जइयो भार, मकानों को लौट जाते हैं और रानी कमलावती से आके क्या बातचीत करते हैं। रानी, नमस्ते महाराज। नमस्ते। तुम्हें जी, तुम्हें ये मालूमात होना चाहिए कि ये फौज आई हुई है शहर गुरगमे में। आज तो आपके चेहरे पर बड़ी खुशी है। हाँ, खुशी है। क्या? आज मेरी सुन ले, मेरी रानी महलों में एक बात। क्या कोई नई बात है जी? हाँ। वो क्या है? अरे जिस नंगे को तू छेक के आई प्याई मेरी ईटा खोए में। कैसी बात कर रहे हैं आप? प्याई मेरी उल्टी मारी री बदनू में। Thank you.
मालूम पड़ता है। कैसे गलत है इस नंगे को और ठुकरा के आई वही आज नंगा तेरे शहर गुरुदमे में भाग लेकर आया है। गलत 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 बिल्कुल ही गलत। ये साली तेरा सर उड़ा दूंगा। गाली पाड़ दोगे ना तो मामला खराब हो जाएगा। अरे चल तीरी बुला ले अपने उरारी भूरो कमलावती की मार लगा रहे हैं। जब तक ऊरा भूरा जो चचेरे भाई है वो घास खुरचने के बहाने से मकान में आ जाते हैं। कहने लगे बहन कमलावती हमें बचा, हम तो तुम्हारे भाई के नौकर हैं। तो बहन ने दोनों चचेरे भाई अपने कोठे में और दुबका लिए। जब रे बहन को रे जल आया रे पति महाराज हाँ। तुम्हारा कहना सत्य है, मेरा कहना बिल्कुल ही गलत है। मुझे आज विश्वास हुआ कि बाकी मेरे गरीब भैया ये हैं भात लेके आए हुए हैं और ये मालदार हैं वो नहीं आए हैं। अगर मैं चाहूं तो सालों के खाल उड़वा के और सालों की खालों में भूत भरवा के लगा दूं। नहीं नहीं ये हुआ तो ठीक है। अबे दोनों रे भैया जरा कोठे में तो बताए रे कमला बेना ठीक है। हम तुम मिलके और जरा भात गाएंगे, भाई के स्वागत करेंगे।
चलो बहन। चली रंपिया चमेलिया संतुशिया जयमंतिया सब चलो बहन। चलो बहन तुम बरसाए इंदुर राजा रे भातैया लोग आए। 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 खड़ी हो जाती है, भाई का स्वागत कर रही है। इधर निंदना ने क्या किया, एक कटरी घास खोद के लाया कि बहन के लिए तो मुझे घास दे रही है भात में। अब घास की गठरिया जन रख के अपने सिर पे गठरी रखे हुए जा रहे हैं, पीछे बदिया माया की जा रही है। तमाम नर और नारी देख रहे हैं सैर गुरगमा वाले के देखो बहन, जिस नंगा को
देखकर ये कमला ठुकरा कर आई थी, वो नंगा भाग लेगा रहा है। अरे नारे और नारी सब बोली अरे मार रे, भात पहना रहा है धन के लिए, कहीं ऐसा ना हो घर के लोग देख ले यहाँ।
और यहाँ से पकड़ के बुलवा दे। तो मेहरबान बहन से निंदना कह रहा, बहन हमारे पास तो ये घास है, हमारे पास क्या है सिवा घास के अलावा? भाई साहब मुझे आपकी घास मंजूर है। आज घास मंजूर है जी भाई, मंजूर है मुझे माया दौलत की। तो घास की गठरिया अब थरिया मेरे धर गई बारे दीदाना, सिगरिय सोने की अरे बन गई भैया घास की गठरी निंदना ने रखी थाली में, सब घास सोने की हो जाती है, सोने की खुरपी बन जाती है। उधर अब जूनागढ़ के आए गए अरे मन्नू अरे खासा, पता नहीं कितने माया दौलत देते, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम खान साहब, हम वादे के पक्के हैं, मुसलमान सच्चे हैं। हाँ हाँ, वाकई आपका भरोसा था कि खान साहब जरूर आएंगे भाग लेके हमारी तरफ से। बहन कमलावती, भाई साहब ये खास साहब जूनागढ़ वाले मन्नू खास साहब आए हुए हैं। हम तो 3 दिन से नौलखा बाग में पड़े थे राजा धीरा के, इसलिए समर के गा बजा को उतारो। खास साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम लौंडिया, ये बता ये तेरे साथ में कौन कौन है, ये तेरी दौरानी जिठानी है? मेरे साथ में मेरी सास है, दौरानी जिठानी सहेलन पड़ोसन वो तो सभी है, तो आप जानते हैं। लल्ली तेरी सास तो जैसा हो देख रही है, जैसा ऊँट को देख कर रहसिया हो देखती है। भाई साहब मजा रहे जब भाते ही कहाँ के हैं, हम मन्नू नगर के हैं। मन्नू नगर के हमें ये लल्ली तेरी जिठानी है जी। हाँ हाँ, वालेकुम सलाम, ये लल्ली तेरी नंदा का? हाँ नंद है ये, पालो नंद। नो कह रहे हैं तेरी नंद घुस रहे हो, घुस रहे हो, घुस रहे हो। हाँ लल्ली नहीं, राम राम भैया, राम राम, राम राम लल्ली तेरी ये जिठानी बहुत सूदी है। ये जिठानी है मेरी। हाँ और ये कौन है लल्ली? ये जी मेरे देवर हैं। देवर हैं? हाँ। और सारे को तेवर करूंगा। ए मजाक, चलो बहन गाओ बजाओ, अब हमें उतारो, हम चले पड़े। मन्नू नागर के मेरे भाताई रे,
सती भाई साहब, अब तू अपनी सहेली मोहल्ला वाली सबको बुला ले, अब मनु खान साहब भात पहनाने पे आ गए। बहुत अच्छा, अरे सुन लैया बहनों, चलो भात पहनने का समय है और हम तुम गाय बजाएं और भात पहने। चलो अरे एक काम कर लौंडिया, हाँ अपनी नंद से हमारी फुटरिया की गांठ खुलवा दे। अच्छा वो किस लिए? अरे सैबरकत हो जाएगी, नंद का हाथ लग जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा आपका। ठीक है नंद, आप अपने हाथों से इनकी कटली की गांठ खोल दीजिए आप। अच्छा खोल दी, खोल दी। ठीक है तो एक बात कर लल्ली, तेरी नंद जो है ना चमकिया बहुत है। आजकल के फैशन को तो भैया, अरे तेरी नंद को तो पूरी दिवाली के बिसात खाने में सर सब सौदा खरीद के लाऊंगा। यहाँ पे देखूंगी क्या क्या लेके आयो। तू बुला सबको, अपने भाग शुरू करती हूँ भैया। तू तो भाग शुरू कर, हम होलोलाए बोल रहे भैया। हाँ तब अपने भाग की तैयारी कीजिए और मेरी दौरानी जिठानी सास ये जिठानी सब है तैयार है। हाँ अरे ये बता तू सबसे पहले किने भात पहनाएगी, उसे ही बुला। लली एक काम कर, अब भात सुना बहुत बढ़िया करके। अच्छा भात सुना दे। हाँ बड़ी अच्छी बात है, तभी हम भात पहनाएंगे। भैया गई रे राता किया जनकारा गोरा भैया मेरे मराए पे। इनके लिए हम लाए हैं बिलोज। बिलोज दे चलती है, बिलोज ना पहनेंगे जे। ना जनानी पहनती है ना। अच्छा भैया इनके लिए हम बारह गज की धोती पहना देंगे। ठीक है बहुत अच्छा, धोती पहना दो। हाँ तेरी सास के टाइम तो हम लल्ली घुटन्ना लाए भैया। हाँ घुटन्ना मर्द पहनते हैं। अरे बैरबानी पहनते लल्ली कबम कबम। अच्छा जेठ के लिए क्या लाए? अब जेठ के टाइम बोला सुनो भैया दूसरों बात तो मेरे बेटा पे। जेठ को मैं लाओ कानन में पहन को जूता और पान में पहन को दस्ताने। क्या उनकी बात करते भैया तुम? अरे दस्ताने काहे में पहरे जाते हाथन में? बोले कि आया कोई ना।
क्या इनके लिए टोपी लाए? टोपी टोपी हाँ, टोपी तो मेन काम है ना। हाँ भाटे की टोपी सबसे मेन काम है। है आप हाँ, मैंने पैरा नहीं देख तेरे देव गेट पैरा उठा रहे थे। बहुत अच्छी बात है। अब बुला लो इंडिया किसे बुला रही है? भैया ते सारो बात मेरे देवर पैना बड़े चिकने चिकने है रे भैया। तुम जानते हो कि लार ज्यादा है इनका? हाँ इनको लार है। और दौरानी तेरी सूख सूख का ठटुरी है रही है, उन्हें चिंता रहती है। अरे वो जो और बेना भाई साहब तुम्हारे लिए और क्या चाहिए बोलो, सामान बहुत है हमारे पास। अरे यार भाग ना हमें एकदम भाग। हाँ तुम्हारे लिए पैंट लाए, बुक्सट लाए और टोपा लाए और टाई लाए। अच्छा और ये ले 551 रुपया जेब में धरो जल्दी से। और ये 100 रुपया अपनी घरवाली को दे दियो ले जाओ। राम राम भाटे। राम राम। सब बुला लोडिया किसा बुला रही है? अरे ये तो हमारे साले हैं, हमें पहनाएंगे जी, हम इन्हें क्या पहनाएंगे? ये चाउर है कलवानी। अच्छा हमारी तो ससुराल है ना इनकी। हाँ भैया चौथो बात मेरे नंदोई पहना। भैया चौथो बात मेरे नंदोई पहना। नंदोई पहना ओ नंदुनिया पैरा। नंदोई पैरा ओ नंदुनिया पैरा। ओ रे भाई मेरे माराए कपड़ा फाड़ते हैं। हाँ और कह रही हो मैं। हाँ नंद इटा का आओ सामने को, ये अपनी गोद फैलाओ। ए अरे सामान ज्यादा है हमको नंद। अच्छा हाँ हाँ ली। नंद मैं तुम्हारे टाइम मुसीका लाऊं। मुसीका मुसीका। हाँ तुम हरिया ज्यादा है जो टाटा खेत में हरियाई में मोह डालते हो। अच्छा जो नंद तुम घुटन ना ले क्यों? मेरी पहनो घुटन्ना। और कच्छा लाओ तुम्हें कच्छा। नहीं और क्या पहनोगी? बढ़िया चीज दो कोई। अच्छा जे शीशा ले लाओ। और कंगा ले लाओ। सुरमादानी ले लाओ। और जो पेटी कोट ले और ब्लाउज ले। और नंद हाँ। एक काम करो क्या? भाग तो पहन लो हमारो। हाँ? अब 4-6 महीना हमारे घरे गोतर खाए के तब जाइयो। 4-6 महीना। हाँ लल्ली भैया हम पर थोड़ो सामान और बचो है। क्या? जितने दिमाई के कुम्हार हैं उनके लिए एक एक चक्रेटी दे दी। चक्रेटी दे दी। हाँ और जितने हलवाई हैं उनके लिए हमने घोटने के लिए खोचा दे दिया। बहुत अच्छा किया भैया तुमने। और जितने दिवाई के पनवाड़ी हैं उनके लिए हमने पान कतरने के लिए सुतारी दे दी। हाँ साहब आपने हमारा
तरफ से बहुत एहसान किया है। हमने कहा हम मुसलमान सच्चे वादे के पक्के हैं। हाँ साहब कहिए, खाना तैयार, आप खाना खाओ। हमारे लिए क्या क्या खाना बनवाया है? तो लड्डू कचोरियों की दावत चल रही है। हमारे यार क्या है, लड्डुओं वाली दावत खिला रहे हो? हमारे यहाँ मुसलमानों में क्या क्या चलता है वो खाएंगे। सुनो क्या चलता है, जर्दा, पुलाव, बिरयानी, कोरमा, कसमई। खैर ये नहीं मिलेगा आपके लिए, बूढ़ा चावल मिल जाएंगे। बूढ़ा चावल सकराना? हाँ ये बात है, सकराना तो हम खूब खाएंगे। अब हमारे लिए रुकने के लिए इंतजाम कहाँ है? बैठो, कमरा खाली पड़ा है आपका। अच्छा कमरे में जा रहे हो, मेहरबान हो। अब नंबर आ रहा है रानी सामलदे का। रानी सामलदे भात में शीश काट के चढ़ा रही है। कमलावती की और सामलदे की क्या बातचीत हो रही है आपके सामने, आप जरा गौर से सुनिए। भाभी साहब, यह भी कुछ मेरी गलती हो उसे माफ कर दो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ भाभी। अच्छा जी, मैं आपसे पहले आपके हाथ जोड़ती हूँ कमलावती, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो कुछ भी गलती है वो हमारी है। नमस्ते कमलावती। नमस्ते भाभी साहब, आप तो ठीक ठाक रहेंगे ऐसे? हाँ मैं तो ठीक ही हूँ, लेकिन भाभी आप कैसे हैं? हाँ हम ठीक हैं, लेकिन आपके शहर वाले तो सब ठीक ठाक हैं। इस समय तो सब ठीक हैं भाभी साहब, और बड़े नंदोई भी ठीक हैं, वो भी ठीक ठाक हैं। एक बात और है कमलावती। क्या बात है भाभी? अगर तुम बुरा नहीं मानो भले मानसो, तो देखो मैं आपसे कह सकती हूँ। भाभी आपसे मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करती हूँ, पहले मुझे माफ कर दीजिए, सुनिए मैं क्या कहना चाहती हूँ आपसे। हाँ क्या कहना चाहती हो साहब? अरे तोरी भाभी तुमको आज गले से के लिए गई थी कमलावती आप, तो देखो खातिर करने को हमारे पास कोई साधन नहीं था,
तो मैंने खातिर करने को सिर्फ छाली पान तुम्हारे लिए मंगाए थे। मेरी कमला नंदी करके तुम आई, मैं नंगी को बदनाम। बहुत अच्छा था भाभी। अरे कहां तो चले गए भैया चचेरे तुम्हारे, गए बाहर सुनो चचेरे भाई। कमलावती देखो तुम तुम्हैया और हम ही हैं, फिर भी सोचने की बात है कि तुम तो ठोकर से ठुकरा के चली आई कमलावती बेदर्दी बन के। अगर बड़े नंदोई हमारे यहाँ को नहीं जाते तो बोलो तुम्हारे शहर के लिए हम कब आते। तुम तो बार बार यही कह के आई कि हराम जादी तू मेरे शहर को मत आना, मेरे शहर के लिए आएगी तो मुझे ले जाएगी, मेरे मरहे को ले जाएगी। एक बात है कमलावती। वो कौन सी भाभी साहब? कल कला को फिर भी तुम ये कहोगी कि पराए माल से और भात पहना के चली गई, ये तो लाखा बंजारे चाचा जी की माया दौलत है कमलावती। मेरे पास तो माया दौलत फिर भी कुछ नहीं है, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए अपनी जान अर्पण करती हूँ कमलावती। एक दो तीन। भाभी ये क्या किया आपने? श्यामल डे ने अपना शीश काट के थाली में करा दिया। अब शीश रे काट के भैया थाली में रे श्यामल रानी। रानी की भैया अरे मार मार
कमलावती भैया ये तुमने क्या सोचा? भैया मुझे नहीं पता था भाभी अब नारे होएगा मेरा भाई गोली में हारे कदम चली मेहरबान भगवान जी बूढ़े बाबा बनकर आ जाते हैं और जहां राजा धीर सिंह का मकान था उस पे आके अलग जगा रहे हैं। अलग खोल रहे पलक देख ले दुनियादारी की झलक। बाबा जय श्री राम। जय श्री राम बच्चा जय श्री राम। बाबा हम बच्चा भूखे भूख लगी है हमें भोजन कराओ। यहाँ भूख नहीं यहाँ मौत हो चुकी है। किसकी मौत हो गई? रानी श्यामल दे ने भारत में अपना शीश कार चढ़ाया है। राम राम राम। एक काम करो श्यामल दे का शीश धरते लगा दो। अच्छा लो बाबा लग गया अब हम जिंदा करते हैं। करो। अरे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ना चेमली कूदनी। पकड़ो बाबा पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे हम क्यों पकड़ लिए चेला? बाबा यहाँ से बारात जा रही है रैया लाल की शहर लोहागढ़ के लिए। आप मरे हुए को जिंदा कर रहे हैं वहाँ बहुत मरेंगे सबको जिंदा करोगे तुम इसलिए बांध के डालेंगे। अच्छा चेला कोई बात नहीं है हमें बांधो मती हम तुम्हारे साथ ऐसे ही चलते हम। अच्छा। तुम्हारी मदद करेंगे और बोलो क्या मांगना चाहते हो? बाबा कहना हमारा ये है पूरे शहर को भाट पे अनवाओ शहर में कोई रहने ना पाए। बिल्कुल अब अगर रह भी जाएगा तो मैं सभा पैर के लिए गुरग माँ में कंचन की वर्षा कर दूंगा। अब घर घर रे जन माया अरे बदिया रे बट बाय मेहरबानो पूरे शहर में माया की बदिया बढ़ जाती है। एक टुकड़िया 100 वर्ष की रह जाती है। कहने लगी बेटा सब सबको भाट लायो मोना लायो आज रानी श्यामल दे भगवान लाश लगा रही हैं। उधर भगवान जी सभा पहर तक कंचन बरसा रहे हैं। उधर धोबी धोबे कपड़ा धोने जा रहे हैं। क्या बात की धोबी धोबिन घाट पे कर रहे हैं? क्या बात की धोबी धोबिन घाट पे कर रहे हैं? बाबा घंटुआ के अम्मा घंटुआ जी तुम्हें कुछ मालूम है ना? अरे हमें क्या मालूम है मोहल्ला में से कपड़ा लेके आए या धोबोगे आप जिस मामले कपड़ा इकट्ठे करके और चलो मिलकर हम तुम घाट पर धोएंगे भैया से कंचन बटोरेंगे घर को कंचन तो घर को घर में ही रहोगे। चल जल्दी से देख घर को कोई ना बटोरे वो जंगल में ही कपड़ा धोगे बच्चे बटोर के लाएंगे। ए आए तो गए बेचारा। अरे आए भाई पर है। अब देख एक काम कर सुना अब तू बिरया सुना और मैं कपड़ा धोगा जल्दी जल्दी ठीक है। सुना तो मैं बिरया सुना रही और तुम सुनते रहना। हाँ मैं कपड़ा धोगा तू बिरया सुना फटाफट। चल जल्दी जल्दी चल ए खोलो देखिए भीतर घुस के घर में जी। हाँ यहाँ तो एक कंचन की
टुकड़ी ना थोड़ी बहुत। अरे कंचन की ले फिर रही है, तेरी पड़ोसन खतरनाक है, सब बटोल ले गई। अब चल राजा निधनपाल सिंह के धोरे चल रहे हैं, जो भात लेकर आए बेई घर के इनको दे देंगे, कर देंगे। तो चलो राजा से शिकायत करेंगे। राजा साहब नमस्ते। नमस्ते राजा साहब। नमस्ते नमस्ते। क्या बात भाई, हम तो कितव के नारे नंबरदार, हम तो लुट गए घर से सब ले गो, कोई चंचल बटोरी गए। अच्छा तो साहब एक भी कुछ ना मिला है। खैरो मची ज्यादा परेशानी में हो तुम, मालूम सरकार हमारे कपड़ा घाट पर रह गए, मैं तुम्हें वो कोई ले जाएगो। अच्छा हाँ, एक काम करो, कपड़ा तुम अपने ले आओ घाट से, और एक माया की बदिया है ये अपने घर को ले जाइए आप। और ये अम्मा घंटुआई, बाबा घंटुआई, अरे जाई बदिया पे कपड़ा लाद लांगे घाट पे से। अरे चली चलो लाखन भैया मेरे ले जाओ, खड़ा मुँह लाखन लगते हैं मेरे लौड़ा के मामू। अरे भाई धोबी। हाँ। और तो कोई कमी नहीं है? और कोई कमी नहीं है। जाइए आराम से खाइए, और उसके बाद अगली बात हम कल आपको बतलाएंगे। हम तो जिंदगी भर ना निभरेगी, इतनी माया धन दौलत दे दे हमारो आलपुर मैत्रा खाए, वो जिंदगी भर तो ना निभरे। बाबा धोबी का रे कुत्ता, अरे घर का ना घाट का, अब घर का कंजल पड़ोसी जल ले गई अरे बटो, घर का कंचन आप बटोर ले जाता है, निधना पूरे शहर में और निधना के जय जयकार हो रहे हैं। अरे सारे भात मेरे भैया बनायो निधना ने, वो मैंने आपको दिया है रे सुनबाए मौलाना सुमर अली, अरे पलटा है दे बाले, सजना मेरे कैसे जन छापी दिवाई शहर के भी, हरी दिवाई में चिला रे बुलंद से, अरे लागे अरे मुकाम